हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कूल 3D टेक्स्ट इफेक्ट कैसे बनेगा और ये 100% एडिटेबल होने वाला है। इसमें फॉन्ट और कलर कुछ भी आप चेंज कर सकते हो और इसका PLP फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन वो पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड इसी वीडियो में कहीं ना कहीं 1 या 2 सेकेंड के लिए शो होने वाला है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से वीडियो लाता रहता हूँ मैं, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यू टेक्स्ट है इसे हम डिलीट कर देंगे। डबल स्क्वायर के सेक्शन में आएंगे, इमेज साइज़ हम चेंज कर लेंगे, यूट्यूब थंबनेल रख लेंगे। फिर हम प्लस के आइकन पर क्लिक करके न्यू टेक्स्ट ले लेंगे, इसे बड़ा कर लेंगे। फ़ॉन्ट के सेक्शन में आना है, एडिट में जाके इसे मिटा देंगे। कैपिटल में कूल लिख लेंगे, COOL, डन करेंगे। यहाँ से हम कैपिटल कर लेंगे, ओके कर देंगे। इसे हम बड़ा कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। फिर हम जाएंगे फ़ॉन्ट के सेक्शन में, फ़ॉन्ट में, यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। मैंने अभी रिसेंट में यूज़ किया तो मुझे ये ऊपर ही मिल जाएगा। आपको इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रेट्रो मोनो वाइट क्लिक करेंगे, इसका थोड़ा थोड़ा पैडिंग बढ़ा लेंगे। ओके, रिलेटिव पोजीशन आके सेंटर में कर लेना है। इसका कलर शेड ले लेंगे, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये कलर शेड ले लेंगे, इसे छोटा करके एक साइड में लगा देंगे और इसे लॉक कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फिर नीचे और पीछे पीछे जाते रहेंगे। सबसे पहले हम इसका कलर दे देंगे, कलर के में कलर चूज़ कर लेंगे। इसमें जाके ये कलर हमें ले लेना है, फर्स्ट वाला, ओके कर देंगे। फिर हम देंगे इसमें इनर शेडो पर क्लिक करेंगे, ऑन कर लेंगे। ब्लर रेडियस 0 कर लेंगे और ऑफसेट एक्स 3 कर लेंगे, ऑफसेट वाई भी 3 कर लेंगे। कलर हम चेंज कर लेंगे, ये कलर रख लेना है, ओके डन कर देना है। फिर हम करेंगे इसे हम देंगे स्टॉक, स्टॉक पे क्लिक कर देना। सिर्फ इसका कलर हम ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करके ऐसे ही रहने देना। इसका कलर हम चेंज करेंगे, ये जो डार्क फिरोजी है ये ले लेंगे, डार्क ब्लू बोलो या फिरोजी, इधर भी वही ले लेंगे। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस कुछ इतना रख लेना और इसे इधर रख लेना और इसे इधर, जो बीच में है इसका हम कलर ये रख चेंज कर देंगे। ये दोनों को चेंज कर देना और इसे थोड़ा डार्क कर देना, ओके डन कर देंगे। अब हम जाएंगे 3D में, 3D टेक्स्ट में ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद ऑब्लिक में क्लिक करेंगे, ऑब्लिक क्लिक कर देना है। डेप्थ इसका बाद में एडजस्ट करेंगे हम। सबसे नीचे जाना है, लाइट एंगल को ऑफ कर देना है, डार्कनेस को भी 0% कर देना है और इसको 220 रख लेंगे। ट्वेंटी के आसपास रख लेना है। ओके, डेप्थ इसका थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ओके कर लेंगे। और इसकी स्पेसिंग थोड़ा हम दे देंगे, 5 की स्पेसिंग दे देंगे। रिलेटिव पोजीशन में जाके इसे हम सेंटर कर लेंगे,
फिर हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसका स्टॉक बढ़ा देंगे, 55 के आसपास रख लेंगे स्टॉक, चलेगा। और सिंगल कलर पे क्लिक करके इधर हम वाइट कलर दे देंगे, ओके डन कर देंगे। रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करके इसे हम टू बैक कर देंगे, टू बैक करके इसे हम थोड़ा सा नीचे सरका लेंगे पोजीशन पे क्लिक करके, और इस तरफ कुछ इस टाइप से आपको भी रख लेना। फिर से हम इसे कॉपी कर लेंगे, 3D में जाएंगे, डार्क को 30 कर लेंगे, ओके डन कर देंगे। रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करके सेंटर में लेके टू बैक कर देंगे, पोजीशन पे क्लिक करके थोड़ा थोड़ा इस टाइप से कुछ हमें भी रख लेना है, ओके डन कर देंगे। फिर से हम कॉपी करेंगे, इसके स्टॉक को हम फुल कर लेंगे और इसका कलर हम चेंज कर देंगे, ये वाला ब्लू रख लेंगे। फिर हम जाएंगे 3D में, डार्क इनको एकदम 0% कर देंगे, और इसका डिप थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कुछ इस टाइप से, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करके सेंटर में करके टू बैक कर लेना, थोड़ा और हमें बढ़ाना पड़ेगा 3D डिप। के आसपास कर लेंगे, पोजीशन पे क्लिक करके थोड़ा थोड़ा इसे सरका देना, कुछ इस टाइप से रख लेना है। अब हम देंगे इसमें शेडो, सबसे नीचे वाले में शेडो को ऑन करेंगे, ऑपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे, ब्लर रेडियंस थोड़ा बढ़ा लेंगे, एटी रख देंगे ओपेसिटी, ओके कर देंगे। इसका हम बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट ही रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे, कोने में ये कलर रख लेंगे और बीच में ये लाइट वाला रख लेंगे, ओके कर देना। फिर से हम जाएंगे लेयर के ऑप्शन पे, इसको क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर वाले को क्लिक करके कॉपी कर लेना, इसका हम स्टॉक बंद कर देंगे और 3D भी बंद कर देंगे और इनर शेडो भी बंद कर देंगे। कलर में जाएंगे, कलर में जाने के बाद हमें ये ब्लू डार्क वाला ले लेना है, उसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम कर देंगे, एकदम बीचों बीच लाएंगे, ओके कर देंगे। रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करके सेंटर में ले लेना, फिर हम यूज़ करेंगे मास्क, इसे हमें माइनस कर देना है, माइनस करके इसे हम लेना कुछ इस तरह से सेंटर में रख लेंगे, और इसे भी लेके हम इसे सेंटर में रख लेंगे। आउट पे क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक करके थोड़ा सा हम नीचे ले लेंगे इसको, ओके डन कर देंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, इसका हम PLP फाइल सेव कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और यहाँ तक देखने के लिए वीडियो थैंक यू। Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me.